कुछ भी किया है सूखे खेतों के लिए किया है। नहीं आने की क्यों तकलीफ की? मुझे अपने दरबार में बुला लिया होता। कुत्ते, तूने हमारे दरबार की जीनत का पानी बंद कर दिया। तूने आज हमारी इज्जत हमारे हाथ में दे दी। नहीं सरकार, नहीं, मेरी ये मंशा बिल्कुल नहीं थी। मंशा के बच्चे, मारो इसे। सरकार, आप पिटवाए भी जा रहे हैं,
गालियां भी दिए जा रहे हैं। अरे मुझ गरीब की सुनिए तो। अब सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा, तुमने जो करना था कर दिखाया। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं मालिक। ये धरती हमारी माँ है और ये माँ हमारा पेट पालती है। सिर्फ हम गरीबों का नहीं, आप लोगों का भी। आप लोग जो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं, हजूर आप भी तो अनाज ही खाते होंगे ना, धन तो नहीं खाते होंगे। खामोश, बकवास करता है। बकवास नहीं करता सरकार, बकवास नहीं। मुझे ये शिकायत नहीं है कि आप लोगों के घरों में पानी के फव्वारे क्यों बहते हैं। हम किसानों को तो ये शिकायत है कि हमारे खेतों को, जिसका अनाज सारा देश खाता है, पानी देने तक तो मिले। बेशक आप ठाकुरों के घरों में पानी के बजाय दूध की नदियां बहे, हमें ये भी शिकायत नहीं। हमें तो सिर्फ इतनी शिकायत है कि हमें इतना तो पानी मिले कि हम अपने खेतों को सींच सके, अपनी धरती माँ को पानी पिला सके। भाषण देता है? भाषण नहीं मालिक, भाषण नहीं देता। लड़की चाहिए ना, देख लेना लड़की ही पैदा होगी। ऊपर वाले के काम में तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। दो छोटे बच्चे और सारी जवानी काटी है तुम्हें। मेरा तो लाला,
अभी तो इनकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और तुम यहाँ पर भी आ गए। ओहो, मेरे आने का गलत मतलब समझ रही हो। तुम्हारे जो मकान और जेबर मेरे पास गिरवी पड़े हैं, मैं उनकी वसूली के लिए नहीं आया हूं। मैं तो हमदर्दी करने आया हूं। मैं इतना बेशर्म नहीं कि धर्मों के मरते ही मैं अपने सूद की वसूली के लिए आ जाऊं। लाला, मरते वक्त तेरा मुख कुत्ते का होगा, कुत्ते का। अच्छा, कोई बात नहीं, कुत्ता भी तो भगवान की बनाई हुई चीज है। लाला, यहां से चले जाओ, मैं कहती हूं तो अभी यहां से चले जाओ। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चले जाता हूं। बहुत जोरों से बुखार है, थोड़ा दूध और काढ़ा होता तो इसे पिला देती, कम से कम बुखार तो कम हो जाता। बहुत ठंड लग रही है। हाँ बिलाई। दीपू, 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 दीपू बेटा। माँ, तुम दीपू के पास बैठो, मैं जाकर दूध और काढ़ा ले आती हूँ। इतनी बारिश में तू कहाँ जाएगी और कैसे लाएगी? माँ, तुम जैसे कहोगी वैसे ही लाऊंगी। दूध और काढ़ा लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है मेरी बच्ची। पैसे नहीं है माँ? राम राम, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ले देवी, दूध और काढ़ा लाया हूं। धर्मू के मरने के बाद ये सोचा कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे। ले, गरम दूध में काढ़ा डाल और थोड़ी हल्दी भी डाल दे और दीपू को पिला दे, जल्दी से ठीक हो जाएगा। अरे मेरे होते हुए तू क्यों चिंता कर रही है? धर्मू मरा है, लाला करमदास तो नहीं मरा अभी। लाला सबको संभाल लेगा, सबको पाल लेगा। तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखा दूंगा और ये मकान और जेबर सब वापस कर दूंगा। लाला, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, फौरन चला जा। अरे तू कैसी माँ है देवी? अरे मेरी बात तो समझो देवी। देवी की इज्जत के दाम ना लगाओ लाला, मरते दम तक भी देवी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। सौदा नहीं मंजूर तो ना सही, मगर तुम्हारे एक ही बेटे को कुछ हो गया तो कल सवेरे तक तुम्हारी तबीयत ठिकाने हो जाएगी। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तू चला जा यहाँ से, कहीं ये ना हो तेरी मौत मेरे हाथों से हो जाए। जा। जाता हूँ, जाता हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात सुन लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमको, तुम्हारे बच्चों को ताने ताने को मोहताज कर दूंगा, भीख मंगवा दूंगा, भीख। कीड़े की तरह अपने बच्चों के साथ रेंगती फिरोगी, लोगों के सामने एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाती फिरोगी, भीख मंगवा दी तो मुझे लाला करमदास ना कहना। याद रखना, तुमको और तुम्हारे बच्चों को भीख मंगवा दूंगा, भीख। माँ, दीपू का जिस्म तो बहुत जल रहा है। यही तो सोच रही हो, करूं तो क्या करूं? इसकी आंखें भी पीली हो रही है, पीले का डर लग रहा है। देवी, ताइमा, आओ। तेरे ये दोनों बच्चे मेरे इन हाथों में पैदा हुए हैं। दीपू तो हमेशा बीमार रहता है, इससे कोई ना कोई तो बीमारी लगी ही रहती है। मेरा कहना मान, तू इन बच्चों को लेकर मेरे साथ एक जगह चल। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तू अगर मेरे साथ चलेगी तो दीपू हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी सारी बीमारी भाग जाएगी।
मगर दैमा, तू पैसों की चिंता मत कर, इतने पैसे मेरे पास हैं जो वहां तक पहुंच सके। शेरा वालिये मेरी बात रख दे, मेरी बात रख दे, मेरे सर पे माता अपना हाथ रख दे, मेरी बात रख दे। ओ शेरा वालिये, ओ मेरा वालिये, ओ शेरा वालिये मेरी बात रख दे, मेरी बात रख दे। फूल खिले खिल कर मुरझाए, दीप जले जल कर बुझ जाए, खिले खिल कर मुरझाए, दीप जले जल कर बुझ जाए। ये तो रीत नहीं जीवन की, बच्चा बचपन में मर जाए, होनी ऐसी अनहोनी न बात कर दे। ओ शेरा वालिये, मेरा वालिये, ओ शेरा वालिये मेरी बात रख दे, मेरी बात रख दे। जिसने जो मांगा वो पाया, तूने सबका दर्द मिटाया, जिसने जो मांगा वो पाया। तेरी चौखट पे ओ माता, मैं भी कर आया, मेरे प्यासे मन पे बरसात कर दे। ओ शेरा वालिये, ओ मेरा वालिये, ओ शेरा वालिये मेरी बात रख दे, मेरी बात रख दे, मेरे सर पे माता अपना हाथ रख दे, मेरी बात रख दे। ओ शेरा वालिये, ओ मेरा वालिये, ओ शेरा वालिये मेरी बात रख दे, मेरी बात रख दे।
रो क्यों रही हो? बताओ ना माँ, क्यों रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मैं इतना भी तो नहीं कमा पाती कि तुम दोनों को पढ़ा सकूं। माँ, तुम इतना नहीं कमा सकती कि हम दोनों को पढ़ा सको, पर हम दोनों तो इतना कमा सकते हैं कि दीपू को पढ़ा सके। डॉली बेटी, तू तो अभी बच्ची है, तू क्या काम करेगी रे? अरे अरे, लगा तो नहीं? सरकार। डाली, कुछ चाहिए? कोई तकलीफ तो नहीं? जी सरकार, क्या कहूं? कहो कहो, अरे कहो ना। आज राखी का त्योहार है, मुझे अपने भाई दीपू को राखी बांधनी है, अगर आज जल्दी जाने की इजाजत दे दे। हाँ हाँ। और सरकार, दीपू पुलिस इंस्पेक्टर बनने की तैयारी के लिए यहाँ से बाहर जा रहा है। अच्छा, मुझे उसे भेजने के लिए 300 रुपयों की जरूरत है, अगर आप मदद कर दें सरकार। अरे अरे अरे, मांगे भी तो सिर्फ 300, कुछ और मांगा होता। ये लो 400, इन्हें रख लो और अपने घर जाकर दे दो। 400? हाँ, और सुनो, अपने भाई को स्टेशन पर छोड़कर शाम को सूखी पहाड़ी के टीले पर मुझे मिलना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जाओ 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 जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं आज शाम को आ जाऊंगी सरकार, मैं आ जाऊंगी। डाले, एक बहन के भाई को राखी बांधने का जो भी मतलब होता है ना, मैं जिंदगी भर एक भाई के वो सारे फर्ज अदा करूंगा। माँ, मैं क्या दूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तक जो तुमने मुझे अपना प्यार दिया है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? ठीक है माँ? बिल्कुल ठीक। ठीक तो है दीपू बेटे। आज डॉली रुपए लाई है, कल जब तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओगे और अपने कमाई के पैसे लाओगे, तो बहुत सारे रुपए जमा करके डॉली को किसी अच्छे घर में ब्याह देना। ठीक है माँ, जब मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी ना, तो मैं उस तनख्वाह में से एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। मैं अपनी प्यारी बहना के लिए शादी का लाल जोड़ा, माथे की लाल बिंदिया और हाथों का लाल चूड़ा लेके आऊंगा। अब मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के ब्याह कर दूंगा। अभी गले से लगा के भी ब्याह कर दूंगा। अरे भैया, भैया, सुनो ना, गाड़ी की चीखी पुकार सुन रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे विदा करते करते गाड़ी फिर से विदा हो जाए। चलो। चलो चलो मेरे साथ, आज के दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। चुपचाप घोड़े पर बैठ जाओ, मुझे बहुत जल्दी है। ठाकुर, ठाकुर, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। ठाकुर, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। ठाकुर, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। माँ? अरे माँ की फिक्र छोड़ पगली, पहले मेरी फिक्र तो दूर कर, मैं तुझे सुखी बना दूंगा, तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। चल चल मेरे साथ, चल घोड़े पे चुपचाप बैठ जा। शाबाश शाबाश शाबाश, चल 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 चल। चलो ठाकुर, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, बैठ जाती हूँ घोड़े पर। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो चल। अरे Yeah.
सीधी चली जाओ मेरे पास, सीधी चली जाओ मेरे पास, सीधी चली जाओ मेरे पास। भाग जा हरामजादे, भाग जा, मैं कहता हूं भाग जा हरामजादे, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। भाग जा कुत्ते। पूछता हूं कौन हो तुम लोग? पूछता हूं कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैं पूछता हूं कौन हो तुम, और तुम हो कौन? अरे पहचानो मुझे, याद करो। मैं जब होश में आई और अपनी जिंदगी की किताब खोली तो सबसे पहले पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा था। जख्म बहुत पुराना है, भर नहीं सका, नासूर बन गया है। तुम हो कौन? उम्र के साथ साथ तुम अपनी याददाश्त भी खो बैठे हो। मैं उस धर्म किसान की बेटी हूं जिसे कई बरस पहले तुमने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। धर्म किसान? हाँ, धर्म किसान। हाँ, धर्म किसान, जिसने तुम्हारे फव्वारे का पानी बंद किया था ताकि वो अपने अनाज की खेती को पानी दे सके। इधर तुमने मेरे बाप का खून किया, उधर मैंने जन्म लिया। पैदा होते ही तूने मुझे यतीम बना दिया हरामजादे। याद आया कुछ? हाँ याद आया, याद आया। हाँ याद आया, याद आया। मगर अब तुम जाते क्या हो? अपने बाप के खून का बदला। मगर अब तुम चांदी क्या हो? अपने बाप के खून का बदला। मगर अब तुम चांदी क्या हो? अपने बाप के खून का बदला। जल्लाद, तुमने मेरे बाप को मारकर मेरी माँ को जवानी में विधवा, हम दोनों बच्चों को यतीम। अरे हम पर क्या बीती? ले जाओ सब कुछ, जो कुछ चाहिए सब कुछ ले जाओ। ये सब कुछ तो मैं ले ही जाऊंगी, लेकिन वो हमारे बचपन के गुजरे हुए साल, मेरी माँ की बीती हुई जवानी की उम्र, वो तू वापस करेगा? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूँ? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूँ तुम्हें? शाबाश डाली बेटे, ये रहा तुम्हारे पहले डाके का पहला इनाम। जी,
दूध और काढ़ा लाने के लिए पैसे चाहिए मेरी बच्ची, पैसे। हाँ, पैसे। पैसे नहीं है माँ। बेटी डाली, बेटा हा? डाली में तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी का इनाम है। पापा मैं उस ठाकुर के घर इसी नाम के लिए नहीं गई थी, वो बदले की आग जो परसों से मैं अपने सीने में छिपाई जल रही थी, मैं अपनी उस आग को ठंडा करने गई थी, अपनी शांति के लिए गई थी। मेरी जिंदगी की किताब के जिस पन्ने पर ठाकुर अमरीत सिंह का नाम लिखा था बाबू, मैं उस पन्ने को फाड़ कर उसे भस्म करने गई थी। तुम्हें डाकू बनाते वक्त मैं तुम्हारी कहानी सुन चुका हूं बेटे, माँ के पेट से कोई भी डाकू पैदा नहीं होता, हम सब हालात के बनाए हुए डाकू हैं। हम भी अच्छी जिंदगी बिताना चाहते थे, मगर वो गुर्बत के कलंक का टीका जिसने मुझे डाकू बनाया, तुम्हें डाकू बनाया। बेटी जाओ ले जाओ जो सारी दौलत, और अपनी माँ को देकर उनके माथे से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी के कलंक का टीका धो दो, अपनी माँ को हमेशा के लिए सुखी कर दो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। माँ हम सब यहाँ इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे, और माँ ये है हमारे बैठने का कमरा, और ये कमरा हम दीपू को दे देंगे, और जब दीपू इंस्पेक्टर बनकर आएगा तो घर के बाहर हम एक बड़ा सा बोर्ड लगा देंगे जिस पर लिखा होगा पुलिस इंस्पेक्टर दीपक किसान। मैं अपने साथी दीपक किसान को अपने सब साथियों की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाते वक्त भी एक बार फिर वो हमारा उसी आइटम के साथ मनोरंजन करें जिसके साथ उन्होंने हमारा उस वक्त मनोरंजन किया था जब हम यहाँ पुलिस ट्रेनिंग के लिए आए थे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मगर मेरी एक छोटी सी शर्त है कि हम सब अपने सीनियर कोच इंस्पेक्टर अजय वर्मा से दरख्वास्त करें कि वो भी हमारा इस आइटम में साथ दें, जैसा कि पिछली बार साथ देकर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की थी। अजय वर्मा साहब। और रन्ना वाले खान पराठे हर ते छड़िया दी अग ना बले। तेरी नहीं मेरी नहीं फरियाद है ये हजारों की, अरे तेरी नहीं मेरी नहीं फरियाद है ये हजारों की।
बस किसान की बहन हूँ, हर रोज की माँ है। ये तो ठीक है डॉली, मगर ये घर तो बहुत महंगा लगता है। तुम इस बात की चिंता मत करो माँ। डॉली, तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? नहीं माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही जो मुझे नहीं करना चाहिए। कई दिनों से मेरे दिल पर यह बोझ था, लगता है ये बोझ हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। मेरे कंधों से हटा तो तुम्हारे दिल पर आ गया। वो डाकू लड़की डाकू दिलेर सिंह के ग्रोह की लड़की है। उस लड़की की बात छोड़ो, पहले ये बताओ डॉन के किसी ठिकाने का पता चला? मुझे डॉन चाहिए, डॉन, सिर्फ डॉन। नमस्कार सर, नमस्कार। आज आपका माल से भरा हुआ ट्रक आ रहा है, जैसे ही वो पुलिस बैरियर से क्रॉस करेगा मुझे फोन आ जाएगा, और गोपाल के फोन आते ही मैं आपको खबर कर दूंगा। सर हमारे होते ही आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, बस आप हमारी चिंता दूर करते रहिए। हाँ लीडर, तुम्हें लीडर बनने के लिए रुपयों की जरूरत है, रुपयों की, और हमें तुम जैसे लीडर की जरूरत है। सर लगता है गोपाल का फोन है, प्लीज होल्ड ऑन। हेलो, डॉन का ट्रक प्लीज बैरियर क्रॉस कर गया है। गुड, वेरी गुड। सर आपका ट्रक सेफ निकल गया है। हम पकड़े जाएं, हमें अपने आप को मार देना चाहिए। अगर हम पकड़े गए तो ये हमसे डॉन के ठिकाने पूछेंगे। माल बेशक चला जाए मगर इन्हें डॉन के ठिकानों का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। सरकार आदमी मर गए हैं मगर माल तो छोड़ गए ना। हराम ज़ादे, हमें डॉन का माल नहीं डॉन चाहिए, डॉन। और मुझे सिर्फ माल चाहिए, माल, और मैं ये माल लेकर जा रही हूं। चौधरायन, जब जुर्म की एबीसी नहीं आती हो तो उस पर किताब लिखने की कोशिश मत करो। तो तुम ही ठाकुर दिलेर सिंह चौधरायन हो? आदमी काफी समझदार मालूम होते हो। कोई एतराज?
तुम्हारा नाम? नाम बताने से सोने का दाम नहीं बढ़ जाएगा। भाव बड़े या कम हो, ये सारा माल मेरा है। इस माल पे तुम्हारी छाप लगी है क्या? हमारे पेशे के मुताबिक ये माल इसलिए मेरा है कि इस ट्रक के टायर पे गोली सबसे पहले मेरी लगी है। सबूत? तुम भी डाकू, हम भी डाकू, और डाकू के पेशे का सबसे पहला उसूल होता है ईमानदारी। अरे जाने दो चौधरी, आओ माल आधा आधा बांट लेते हैं। किसी का मारा हुआ शिकार खाना मेरा उसूल नहीं, और माल को बांट कर लेना मेरा पेशा नहीं। तो आओ फिर मैदान में, तुम्हारा मेरा अकेले मुकाबला हो जाए, जो जीत जाए वो सारा माल ले जाए। क्या कहा? मुकाबला? बंदूक का बोझ उठाने के लिए नहीं बने हैं, ये हाथ सुहाग की चूड़ियों का बोझ उठाने के लिए बने हैं। मुझे कुछ हो रहा है, ओ जालिमा।
बताओ। इतनी खूबसूरत, जहीन, इतनी प्यारी, ये सब कुछ होते हुए इतनी कम उम्र में तुम डाकू कैसे बनी? मेरी कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी। पहले तुम बताओ, तुम डाकू कैसे बने? पहले मैं बताऊं? पहल हमेशा मर्द करता है। मेरा बड़ा भाई पुलिस इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर अजय वर्मा को उसका छोटा भाई विजय वर्मा ये कह रहा है कि नाश्ता तैयार है। ऐसे रख, एकदम शेरे पंजाब होटल के खाना मल रहे हो। मुझे माफ करो इस नाश्ते से। ये नाश्ता खा के सारा दिन मेरे पेट में गुटर गुम होती रहती है और पूरी तनख्वाह मेरी हवाबंद गोलियों में चली जाती है। एक काम कर बच्चे, जल्दी से शादी कर ले, खाना भी अच्छा मिलेगा, घर में बच्चे होंगे, रौनक होगी। भैया जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती भला मेरी शादी कैसे हो सकती है? आपको ये तो पता है ना कि आप मुझसे बड़े हैं। मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? तू मुझ पे हुक्म? हुक्म नहीं चला रहा, अर्ज कर रहा हूं भैया। तो सुनो फिर, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। तेरी कुंडली तो नहीं है ना? कुंडली? आपने मेरी कुंडली बनवाई थी? अगर हो तो उसको जला दो, फेंक दो साली को, रखना नहीं। मेरी कुंडली थी और मेरी कुंडली ने सारी गड़बड़ की। मैंने कुंडली एक पंडित को दिखाई, कहे पंडित जी देखिए मेरे बेटे का भविष्य क्या है। वो सीधा बोला कि मां जी एक काम मत कीजिएगा। बोले क्या? बोले इसकी शादी मत करना। बोले क्यों? अगर इसने शादी की, शादी के दूसरे दिन इसकी बीवी मर जाएगी। मुझे इतना झटका लगा, ये क्या हम जिंदगी भर छड़े रहेंगे? मैंने कहा पंडित की ऐसी की तैसी। मैंने चक्कर चलाया, एक जगह रोमांस किया। रोमांस भी एक तगड़े सेठ की लड़की से, ये लंबी गाड़ी थी, उसको लेके मैं बाहर गया। फिल्म में होता है ना ट्वीट गाना, बिल्कुल देवानंद की तरह गाना गाया, लड़की फंसी। अभी प्यार करके निकली थी कि ठा से आवाज आई, देखा गाड़ी ट्रक से टकरा गई, लड़की की टांग गई। फिर मैंने सोचा यार पंडित सच ही कहता था, ये शादी वादी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। तब से मैंने तय कर लिया कि शादी करनी ही नहीं। छोटे देख, तू जल्दी से शादी कर ले। भैया ये एक्टिंग छोड़िए, ये एक्टिंग मुझ पर नहीं चलेगी। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप शादी करना नहीं चाहते? इसलिए कि आपको ड्यूटी से बहुत प्यार है। हाँ, अगर तू समझता है कि मैंने शादी अपनी नौकरी से अपनी ड्यूटी से कर ली तो सही बोलता है। इससे बड़ी चीज और क्या है देश की सेवा करना। पता नहीं कब फोन आ जाए, जनाब आइए फलान डॉन को तकलीफ है, उनको लीजिए। आ गया फोन। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। डॉन की कार आज थोड़ी सी देर में काली चौकी क्रॉस करने वाली है। अच्छा, डॉन की गाड़ी है? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली श्योर। अगर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मुझे मेरा 10% मार कैसे मिलेगा? बस आप काली चौकी पहुंचिए। ठीक है, आज डॉन को अनीमा देना ही पड़ेगा। छोटे वदिला। इंस्पेक्टर अजय वर्मा स्पीकिंग। हेलो सर, मैं खुद आपको फोन करने वाला था। आज एक अजीब बात हुई सर, ये जो डॉन साहब हैं उन्होंने मुझे दावत पर बुलाया है। जी हाँ, खास इन्विटेशन, पता नहीं क्या है, कुछ पार्टी है क्या है सर। वो खुद तो सामने आता नहीं, अपने अमचो चमचों को भेज देता है। एक वादा रहा सर, अगर आज वो सामने आ गया तो हथकड़ी उसके हाथ में होगी और डॉन जेल की सलाखों के पीछे।
वफा से चला है मोहब्बत का नाम, वफादार यारों को मेरा सलाम। मुझे वो मिलती नहीं, दर्द मिलता है दवा मिलती नहीं। जमीनों की खातिर कटे सर हजारों हसीनों की खातिर। आदाब। आदाब। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। लीजिए।
निकाओ पुलिस वालों से दाव पेच खेलते खेलते आप लोगों को नोट दिखाने की आदत पड़ गई है। हमारी खिदमत का ये अंदाज में पसंद तो बहुत आया। क्या बात है, शायद आप ये नहीं जानती मेरा नाम अजय वर्मा है। मैं आप लोगों के हर रंग से वाकिफ हूं। मोहतरमा, तुम्हारे इस डॉन की शाम हूं मैं, अंत उनका मैं अंत। अगर वो मर्द की औलाद है तो उसे कहो सामने आए, पीस के रख दूंगा। इतना गुस्सा? आप औरत हैं, औरत की इज्जत करना मेरे माँ बाप ने सिखाया है मुझे, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं जिससे बात करने आया हूँ उसे बुलाइए आप। वो आ जाएंगे। आ जाएंगे? अच्छा, अगर उसमें हिम्मत होती जिन्हें आप वो कह रही हैं, तो वो अपने टटपूंजे के हाथों ये रुपए नहीं भेजता। ये रुपए लेकर वो खुद आता, मां कसम उसकी हड्डियों का सुरमा करके इसे प्लेट में डालकर वापस भेज देता। और चमचे उसे कह देना आइंदा मैं उससे मिलूंगा अपने तरीके से मिलूंगा। पहले हमसे तो मिल लीजिए, डॉन की बारी तो बाद में आएगी। लगता है पुत्र साड़ी बरदानगी का अंगूठा लगवाना चाहते हो। सी फिरदास बाकी है, लखनऊ की या दुनिया की? मां की आंख सामने नहीं आया, वो मेरे सामने आ जाता आज मैं उसे नहीं छोड़ता। मुझे उस कुत्ते को मारने की हसरत, आज मैं जा रहा हूं विजय। इस पिस्तौल और इस खिलौने में कोई फर्क नहीं, इसे फेंक डालो। कहो
कहाँ छुप गया गीदड़ की तरह बुजदिल? सामने आ हरामजादा डरपोक डॉन, मेरी हिम्मत देखो कि आज तेरे ठिकाने पर मैं अकेला तुझे मारने के लिए ललकार रहा हूं। मर्द है तो सामने आ कुत्ते, तेरी मौत तेरे घर में दाखिल हो चुकी है। आज तेरी कोई चाल नहीं चलेगी, कोई दाव नहीं चलेगा। दाव बहुत महंगा है, लेकिन सोचा भी ये पड़ेगा कहां? हवा को बांधने की जिद छोड़ दो मिस्टर विजय वर्मा। हवा तो क्या, आज हवा के साथ साथ तुझे भी बांध कर ले जाऊंगा टॉन। शैतान तू अपने आप को खुदा समझ बैठा है। सिर्फ एक इंसान जो अपनी आंखें, अपने कान, अपने दिमाग के दरवाजे हमेशा खुले रखता है। इंसान जिसने एक पुलिस इंस्पेक्टर का खून कर दिया, इंसान जिसने हमारे मंदिर जैसे घर को वीराना बना दिया। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है डॉन, सिर्फ एक ही मकसद है मेरी जिंदगी का, तेरी मौत, वो भी अपने इन हाथों से। लुटे हुए अपनों से बिछड़कर जब लड़कपन में हम इस अजनबी शहर की गुमराह गलियों में भटकने लगे, तो हमारी रगों में वो खून दौड़ने लगा जो अपने रास्ते में किसी का आड़े आना बर्दाश्त नहीं करता। जो आया वो मारा गया। तुम्हारा भाई हमारे रास्ते के आड़े आया, वो अपनी मौत खुद मारा गया। हम किसी को नहीं मारते डॉन। मैं तेरे लिए अपने दिलेर भाई के खून से रंगा हुआ कफन अपने सर पे बांध के आया हूं। उनकी अर्थी में अब रंग देने के लिए तेरे खून का रंग मिलाना ही बाकी रह गया है। हम किसी का खून नहीं करते, हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं। हवा को बांधने की जिद छोड़ दो मिस्टर विजय वर्मा। अगर तुम हवा हो डॉन, तो मैं आंधी हूं जो एक ही सांस में हवा का रुख बदल देती है। यही आंधी तुम्हें तिनके की तरह उड़ा के मौत के घाट तक पहुंचा देगी, और वो घाट इतना सूखा होगा डॉन कि मरते वक्त जो तुम पानी मांगोगे तो तुम्हें पानी की बूंद भी नसीब नहीं होगी। मिस्टर विजय वर्मा, तिनका नहीं, ये वो शहती है जो ना जाने किन घने और भयानक पहाड़ी जंगलों से निकलकर तूफानी नदियों से बहता हुआ आज इस दुनिया में खड़ा है और इस वक्त तुम्हारे सामने। शहतीर, मेरा इंतकाम चिंगारी नहीं, वो आग है जो इस शहतीर को जलाकर राख कर देगी। दुनिया की दी हुई चोटों से इस शहतीर अपने ही बहते हुए लहू से इतना लबरेज है कि किसी भी आग की तपश से सुखाकर जला नहीं सकती। पुलिस? हाँ, ये पुलिस तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम जैसे सरफिरों के लिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा टॉन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछा करो।
कहीं ज्यादा काली रात के अंधेरे की तरफ भाग निकला और जब वहां से निकला तो डाकू बनकर निकला और ये कहते हुए निकला कि मुझे डॉन चाहिए, डॉन चाहिए, डॉन, डॉन। तो डॉन ने तुम्हारे भाई को मरवा डाला और मैं एक डाकू बन गया। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। डॉन के दो आदमियों का खून मेरे हाथों से हो ही चुका था। पीछे मेरे पुलिस थी, बीच में मैं था और आगे आगे घोर अंधेरा। अगर मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया होता तो कानून मुझे फांसी पर लटका देता। सोचा मौत तो हर हालत में यकीनन है, क्यों ना अपने बड़े भाई के खूनी को मारकर फांसी के तख्ते पर लटक जाऊं। यही सोच के मैंने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया। कानून हमारे पीछे है और हम कानून के आगे। इससे पहले कि कानून हमारे आगे निकल जाए, तुम अपने काम पर चलो, मैं अपने काम पर चलती हूं। यह ठाकुर शेर सिंह की हवेली है। तुम किसी गलत जगह पे आ गए हो। मैं ठीक जगह पर आई हूं। तुम एक लड़की हो? जी हां, याद करो मैं कौन हूं। याद कर हरामजादे। याद आया? तुम्हें जल्लाद कहूं, कमीना कहूं, जलील कहूं, मेरे बाप को छोड़ दो, मेरे बाप को मत मारो। तुम तो मेरी बहन की तरह हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। तुम्हें वो किस्सा सुनाना चाहती हूं जो इस कमीने ने मेरे साथ किया था। मुझे यकीन है वो किस्सा सुनने के बाद तुम ऐसे बाप के नाम से नफरत करोगी, ऐसे बाप पर थूकने लगोगी। मैं इस घर में एक मामूली सी नौकरानी थी। लगा तो नहीं? वो राखी का दिन था। मेरा भाई दीपू पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए यहां से बाहर जा रहा था। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। तुम्हारे बाप ने मुझे 400 रुपये दिए और जानती हो उन रुपयों के बदले में तुम्हारे बाप ने मुझे लड़की से औरत बनाना चाहा। कुछ चाहिए? मैं तो अच्छे घर की बहू बेटी ना बन सकी, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छे घर की बहू बेटी बनाऊंगी। तुम्हारी शादी होगी, शहनाई बजेगी। सुंदर, अपनी इस बहन को ले जाओ और इससे पूछो अगर इसे कोई लड़का पसंद है तो उसे ले आओ, नहीं तो किसी अच्छे घर का एक लड़का ढूंढ लाओ। इसके हाथ आज ही पीले होंगे। फिक्र मत करो बहन, हम तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। जाओ, अपने भाई के साथ जाओ, जाओ। चलो बहन। बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? मुझे मेरी जिंदगी की भीख दे दो। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की भीख दे दूं, लेकिन इसका हिसाब उसी जगह होगा जहां तुमने मुझे बुलाया था। बस, बस, मुझे मुझे छोड़ दो, मैं थक गया हूं। ओहो, ठाकुर होकर आज इतनी जल्दी थक गए? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में असली घी नहीं खिलाया। आ, 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 आ,
क्या हुआ ठाकुर, गिर गए? बच्चा हमेशा भागते भागते गिर जाते हैं। एक काम करो ठाकुर, घुटनों के बल चलो, घुटनों के, गिरोगे नहीं। हाँ, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव को हाथ लगाता। ये हाथ तो मैंने भी जोड़े थे, मैंने भी तुम्हारे पैरों को हाथ लगाया था, मगर तुमको मुझ पर रहम नहीं आया था। रहम आया था तो मेरी इस माता रानी को मुझ पर। मैं गुनहगार हूँ, मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे माफ कर दो। पल्लू, खत्म हो गया सब जोश, खत्म हो गई सारी वहशत, खत्म हो गया एक जवान लड़की की इज्जत लूटने का जुनून। अब बस करो, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ। ते कमीने, अपनी इस गंदी और मनहूस जबान से इतने पवित्र नाम कभी नहीं लेना। अच्छा अच्छा, नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। नाक रगड़ो। क्या? नाक रगड़ो। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, तुमको तो मुझ पर तरस नहीं आया था, मैं तुम्हारा कहना मान लेती हूँ, मगर एक शर्त है। हाँ, कहो, जल्दी कहो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। पहाड़ी के टीले तक, जहाँ तुमने मुझे डाली से डाकू बनाया था, तुम मेरे पीछे पीछे भागते हुए पहुंच जाओ, वहां तक पहुंचने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सच? हाँ हाँ। उस टीले तक पहुंचने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? अरे बिल्कुल। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। यस सर। ट्रांसफर के बाद तुमने जूडी यहां ज्वाइन कर ली? यस सर। गुड गुड, बैठो। थैंक यू सर। इस फाइल में उन डाकुओं का पूरा सजा है जिन्होंने आज के इस इलाके में बदमनी और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। यस सर। हाँ इंस्पेक्टर, एक और नए ग्रुप की भी खबर मिली है, जिसका लीडर है इंस्पेक्टर अजय वर्मा का छोटा भाई विजय। पुलिस इंस्पेक्टर का भाई और डाकू? कभी कभी इंतकाम की आग भोले भाले इंसान को भी अंधा कर देती है। विजय उनमें से एक है, उड़ान से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। सर, इससे पहले कि विजय डॉन तक पहुंचे, हमें उन दोनों गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक। पुराना गिरोह जो डाकू दिलेर सिंह का है, उस गिरोह में अब एक लड़की उसकी साथी है जो डाकू में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। वो डॉली के नाम से पुकारी जाती है। डॉली? हाँ, तुम्हारी बहन। नहीं सर, ये डॉली कोई और होगी। नहीं, ये तुम्हारी बहन ही है। जब तुम पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे थे, ये डाकू बनने की महारत हासिल कर रही थी। तुम इससे बेखबर रहे और हम भी। ये देखो उसकी तस्वीर। केस आप किसी और को दे दीजिए। इस सच्चाई का कड़वा जहर तुम्हें पीना होगा इंस्पेक्टर, इसे अपने गले से उतर जाने दो, फर्ज के मैदान में अमर हो जाओगे। डॉली मेरी बहन है सर, एक भाई अपनी बहन के हाथ में हथकड़ी पहनाएगा। आजकल हम भी कुछ ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे हैं इंस्पेक्टर, ये तस्वीर देखो।
ये तो आप हैं सर। नहीं इंस्पेक्टर, ये हमारा जुड़वा भाई है। बरसों पहले एक पुलिस अफसर ने स्मगलर्स को मिटा देने का बीड़ा उठाया और उसी टक्कर में उस इंस्पेक्टर का घर बार तबाह हो गया। उसके दो मासूम बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे शहर बशहर भटकते रहे। दोनों चुप, दोनों का इरादा एक। दुनिया की भीड़ भाड़ में दोनों भाइयों का हाथ छूट गया और फिर कभी नहीं मिला। रास्ते अलग अलग हो गए। एक कानून का महाफिज बना जिसने स्मगलर्स को खत्म करने का तरीका अपनाया, वो तुम्हारे सामने खड़ा है सर। और जिसकी तुम तस्वीर देख रहे हो वो कानून का दुश्मन बना और डॉन के नाम से मशहूर हुआ। कि खबर बहुत छानबीन के बाद हमें इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने दी। जिंदगी का मजाक देखो, हमें भी अपने ही भाई को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऊपर से हुक्म आ चुका है जो टाला नहीं जा सकता सर। जिन्हें दिल पर पत्थर रखने वाली बात हुई नहीं, फर्ज की इबादत और उस ऊंचे मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ देना पड़ता है ताकि फर्ज के रास्ते में कोई जज्बा रुकावट न पैदा कर सके। इंस्पेक्टर, ये वर्दी हमारे जिस्म की जीनत ही नहीं, हमारे फर्ज की मुंह बोलती तस्वीर भी है। पुलिस और फौज में रिश्ता नहीं, दुश्मन देखा जाता है। हमें तुम्हारा जवाब चाहिए। आपने ठीक कहा सर, फर्ज के ऊंचे मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ देना पड़ता है। पुलिस और फौज में रिश्ता नहीं, दुश्मन देखा जाता है। सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने फर्ज के साथ इंसाफ कर सकूं। मां, मां, नाराज हो क्या? उस दिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकी। मां, मुझे बहुत जल्दी एक जरूरी काम से जाना था। मां, खाना लगाओ ना। मां, खाना बाद में लगेगा डॉली, पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। आज मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे एक फाइल दी है जिसमें मेरा और मेरे साथियों का नाम है। उस फाइल में कुछ और भी नाम है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने साथियों का नाम बताओ। डाका जानी और भी जो गैर कानूनी काम तुम करती हो वो सब बताने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन उस वक्त तुम्हारे कानून ने ठाकुर अमरीश सिंह को क्या सजा दी थी जब उसने हमारे बाप को दिन दहाड़े बेरहमी से मार डाला, हमारी माँ को जवानी में विधवा और मुझे पैदा होते यतीम बना दिया? क्या वो जुर्म नहीं था? ये कहाँ का इंसाफ है? यानी कि हर गरीब आदमी कानून को अपने हाथ में लेकर मुझे ही मरता था? ये गरीबी दूर करने का हल नहीं है। तुम्हारी पुलिस और कानून ने उस ठाकुर शेर सिंह का क्या किया जिसकी मैं फर्श धोती थी, जिसने मेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहा और मैं एक घर की बहू बेटी बनने के बजाय क्या से क्या बन गई? वो जुर्म नहीं था? तुम कहने का चाहती हो हर आदमी कानून को अपने हाथ में लेकर चोरों चक्का लुटेरा बनता जाए? वो लाला करम दास, इस शहर का बाइज्जत शहरी, अरे जब तुम बुखार में तप रहे थे तो पाव से दूध और चार आने के काड़े के अवज में वो हमारी माँ की लाश का सौदा करने आया था, वो जुर्म नहीं था? अरे पहले जाओ उस मुजरिम को पकड़ कर ले आओ, फिर तुम जो जानना चाहते हो मैं बता दूंगी। दूसरों के पाप और जुर्म साबित करके तुम ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो, और जब तक ये सच्चाई कायम है कि तुम एक मुजरिम हो और मैं एक पुलिस ऑफिसर, तब तक हम एक जगह नहीं रह सकते। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, माँ यहाँ से नहीं जाएगी। माँ यहाँ से जाएगी? मैं यहाँ से जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। नहीं माँ, नहीं। माँ, तुम्हें याद है बचपन में हमने कई रातें खाली पेट गुजारी है। माँ जब दीपू बीमार था तो दूध काढ़ा दवाई के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। माँ मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए किया है, टीपू के लिए किया है। हाँ बहन, तूने कितना किया है, बहुत किया है। एक माँ के माथे पर और एक भाई के माथे पर लिख दिया है कि हमारी बहन, हमारी बेटी एक डाकू है। नहीं दीपू, ऐसा नहीं है। मैंने तो इस घर के दहलीज पे लगा हुआ गुर्बत के कलंक का टीका मिटाने के लिए किया है। गरीबी कोई पाप नहीं है डॉली,
गुर्बत के कलंक का टीका मिटाते मिटाते तुमने हमारे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। और उस पाप और गुनाह की दुनिया में तुम्हें दिखो गई हो कि आज तुम्हें राखी का दिन भी याद नहीं। चल माँ, चल निकल चल यहाँ से, मेरा दम घुटता है यहाँ। दीपू, तेरे और डॉली के बीच पाप और पुण्य का झगड़ा है। मैं साथ पुण्य का ही दूंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी, मगर मुझे माँ का फर्ज भी अदा कर लेने दे। दीपू, अपने बहन से राखी बंधवा लो, लो डॉली। विजय, क्या सोच रहे हो? तुमने कहा था ना कि कानून हमारे पीछे और हम कानून से आगे। यही सोच रहा था कि जिस दिन कानून हमारे आगे निकल जाएगा, डॉन पीछे रह जाएगा। तुम्हारे होते हुए डॉन पीछे नहीं रह सकता, तुम तो उसकी तलाश में हो ही। डॉली, मैं डॉन को बहुत बेतहाशा ढूंढ रहा हूं, बहुत बेतहाशा, लेकिन उसके किसी ठिकाने का पता ही नहीं चलता। कितना शातिर आदमी है वो, ये भी पता नहीं चलता कि दिन को वो कहां होता है और रात को कहां सोता है, कुछ समझ में नहीं आता। महावीरा, यह है डान का चौधरी, इसे डान के सब ठिकाने मालूम है। अब आप इससे बुलवा लीजिए कि आज आज डान किस ठिकाने पर मिलेगा, मगर ये बोलता नहीं। ये हमें समझा रहा है कि ये गूंगा है, इसे तुम अंदर ले आओ। अगर इसने तुम्हें डॉन का ठिकाना बता दिया तो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। डॉली, याद है तुम्हें जब जिंदगी में पहली बार तुमसे मिला था तो मैंने तुमसे कहा था कि किसी का मारा हुआ शिकार खाना मेरा उसूल नहीं। डॉन मेरा शिकार है, सिर्फ मेरा। बंद करो अपना ये नाटक कंपनी चौधरी, वरना हम तुम्हें इतना तड़पाएंगे कि तुम अपना सारा गूंगापन भूलकर हमें डॉन के सारे ठिकाने बता दोगे। आज मैं सर पे कफन बांध कर आया हूं डॉन। तुमने आने में देर की, हमें तुम्हारा बेताबी से इंतजार था। और तुम्हारी मौत को तुम्हारा इंतजार है, सिर्फ चंद घड़ियां ही बाकी हैं। हमारे आदमी को पकड़कर जो तुमने हमारा ठो ठिकाना पा लिया, ये तुमने एक और भूल की और दोबारा हमारे पास चले आए। मैं आया नहीं डॉन, मेरे भाई की मौत का इंतकाम मुझे यहां लेकर आया है। वो भाई जिसे तूने सांप बनकर डस लिया, आज उसी सांप का फन हमेशा हमेशा के लिए कुचल देने के लिए पूरी तैयारी करके आया हूं। हम जानते हैं तुम डाकू बन चुके हो, विजय डाकू, और तुम्हें अपने भाई के इवज डॉन की जान चाहिए। जान, डॉन की जान, ये तो बहुतेरों को चाहिए, लेकिन आज तक
कोई नहीं ले सका। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है डॉन, मैं चाहूं तो इसी वक्त तुझे छलनी छलनी करके मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, इसलिए कि तेरा अंत इतना आसान नहीं होना चाहिए। मैं तुझे अपने नंगे हाथों से मारूंगा, मैं तुझे अपने नंगे हाथों से मारूंगा और वो अंजाम दूंगा कि मरने से पहले तेरा दिल फट जाएगा, आंखें पथराने से पहले बाहर निकल आएंगी, चीखते चीखते तेरे हलक की आवाज सूख जाएगी। मुझे तुमसे असल के साथ साथ सूद भी तो लेना है डॉन। इस ख्वाहिश में तुम खुद ताप ताप कर मर जाओगे। और विजय डाकू, ये वो सपना है जो तुम्हारा इस जिंदगी भी तो पूरा नहीं होगा। दीपक, तुम डाकू विजय का पीछा करो, मैं डॉन के पीछे जा रहा हूं। ओके सर, मैं विजय डाकू का पीछा करता हूं। ओवर सर। Thank you.
से कहो गोलियां चलाना बंद कर दें। तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। डॉन को हुक्म? यह हक तुम्हें कब और किसने दिया? यह हक हमें पुलिस की ट्रेनिंग और इस वर्दी ने दिया, लेकिन इस रास्ते पर चलने का हक तुमको किसने दिया? इस शहर की गुमराह लंबी लंबी सड़कों ने, एक मासूम बेबस बेसहारा जब अपनी ही तलाश में घूम रहा था तो उसके हर बहके कदम ने उसके सर से टकरा कर आवाज दी, इन्हीं बहके कदमों की ठोकर से इस दुनिया को अपनी हथेली पर रखकर उछाल दो और फिर कहो अब तेरी हर करवट मेरे इशारे पर चलेगी। जिसको तुम इशारा कहते हो कानून उसका दुश्मन है। तुम्हारा हर कदम देश और समाज का लहू चूसता रहा है। हमारी चौखट पर अनगिनत समाज सेवक माथा रगड़ते रहे और दान पाते रहे। डॉन, इस खून खराबे से अपनी गुनाहों की दीवार इतनी ऊंची मत करो कि उससे तुम्हारा दम घुट जाए। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। डॉन उसी खुटे दम से पैदा हुआ और परवान चढ़ा। कानून को उसने कच्चे चमड़े की पेटी की तरह अपनी कमर से बांधे रखा, जब चाहा कस लिया और जब चाहा खोल कर फेंक दिया। उसी खुटे दम से एक और का जन्म हुआ जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, डीएसपी करमवीर। बरसों पहले तुमसे बिछड़ा हुआ तुम्हारा जुड़वा भाई, कानून का महाफिज डीएसपी करमवीर। इसे भी मालूम है मैं उसका जुड़वा भाई हूं? एक तरफ डॉन तुम्हारी जिंदगी के बेघर बेसहारा बेचैन लम्हे और दूसरी तरफ समाज को चैन की नींद सुलाने वाला कानून का मुजस्सिमा तुम्हारा भाई। अपने आप को उसके हवाले कर दो, उसके हवाले कर दो। खामोश क्यों हो गए? तुमने इंस्पेक्टर अजय वर्मा का खून किया, शायद मुझे भी मार सकोगे ये समझकर कि मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम पर आसानी से गोली नहीं चलाऊंगा। क्या भाई का खून करोगे? खामोश क्यों हो गए? तुमने इंस्पेक्टर अजय वर्मा का खून किया, शायद मुझे भी मार सकोगे ये समझकर कि मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम पर आसानी से गोली नहीं चलाऊंगा। क्या भाई का खून करोगे? नहीं नहीं, अपने आप को उसके हवाले कर दो और डॉन को सफाई हस्ती से मिटाकर अपने भाई डीएसपी करमवीर का नाम सुनहरी लफ्जों में चमकने दो। वक्त तेजी से गुजर रहा है, हमारी सुनो हमारी मानो। वक्त तेजी से गुजर रहा है डॉन, नीचे उतर आओ। देखो हम तुमसे कितने ऊंचे खड़े हैं। नीचे बुलाकर हमें हमारी मनमानी बुलंदियों से मत गिराओ, गिरे तो शीशे की तरह चकना चूर हो जाएंगे और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। डीएसपी करमवीर, तुम ऊपर चले आओ। मैं ऊपर चला आऊं? इस वक्त तुम्हारी हिफाजत हमारा धर्म है और याद रहे डॉन हर हाल में अपने लफ्ज का पाबंद रहा है, जिंदगी हो या मौत। बंदूकें फेंक दो,
सूखे फेंक दो। डॉन, तुम जो कुछ भी थे बहादुर थे। डॉली बेटे, लाला का शिकार करने में तुमने बहुत देर कर दी। यात्रा से आने के बाद लाला ने अपने घर पर दो चार आदमी पुलिस के बिठा दिए हैं। पुलिस के दो चार आदमी बिठा देने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? लाला यात्रा से वापस आ गया है। रानी माता की यही बड़ी मेहरबानी है। जय रानी माँ। चलो सुंदर, तैयारी करो। लाला से मैं अपना सारा हिसाब किताब चुका कर उसकी सारी दौलत लेकर बापू में यूं गई और यूं आई। पुलिस, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए बोल रहा हूं। तुम लाला करमता, ना तो तुम पुलिस की फिक्र कर और ना ही हमारे जान की। तुम सिर्फ अपनी फिक्र कर लाला। तुम देवी की बेटी? हां, मैं वही देवी की बेटी हूं। डाली, मेरा भाई दीपू बीमार था। तू पाव भर दूध और चार आने के काड़े के बदले में तू एक औरत की लाज का सौदा करने आया था। बेटी, वो दूध तो मैं दीपू हूं। मैं कुछ नहीं भूली लाला, मुझे सब कुछ याद है। मेरे बाप के मरने के बाद तुमने हम सबको घर से बेघर कर दिया था। तू फिक्र मत कर लाला, आज मैं एक एक चीज का गिन गिन कर बदला लूंगी। तू भी डाकू, मैं भी डाकू। मुझे कानून नहीं छोड़ेगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। डॉली, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं तो चाहता हूं तेरी शादी हो, तेरा घर बसे। लाला, जब तक तू जैसे शैतान इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे तब तक मुझ जैसी किसी डाली का घर नहीं बस सकता।
चाबी ला। चाबी? कौन सी चाबी? वो चाबी लाला, उस घर की चाबी, जिस घर से तूने एक विधवा अबला औरत और उसके दो छोटे से बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था, उनके सर से छत छीन कर उनको बेसहारा रास्ते पर खड़ा कर दिया था, उस घर की चाबी लाला, उस घर की। उसके लिए तुमने खुद आने की तकलीफ क्यों की बेटी? अपने कुत्ते को भेज दिया होता तो उसी के गले में चाबी लटका कर तुम्हारी माँ के पास भेज देता। छी छी छी, इतने छोटे से काम के लिए मेरी बच्ची को खुद आना पड़ा, लानत है मुझ पर। मुझे जूते मारो 100 और गिनो 1, अभी मैं अभी चाबी ला। ये लो चाबी और संभालो अपना घर। अरे ये घर मेरे पास तुम्हारी माँ की अमानत थी, इसलिए तो मैंने किसी को नहीं दिया। लाला अब अपनी सब चाबियां ला। मेरी चाबियां? हाँ लाला, तुम्हारी चाबियां। मेरी चाबियां तो चाबियां लाला। ठीक, मैं ला रहा। लाला चाबियां अंदर नहीं, यहाँ। और एक बात बता दूं लाला, बाहर पुलिस के आदमी नहीं, मेरे आदमी खड़े हैं। ये सब क्या है बेटी? तुम्हें सब पता चल जाएगा लाला, तुम आराम से खड़े रहो और तमाशा देखो। सुंदर, ये है जेवर, गांव में जिन जिन के हैं उनको वापस कर दो। और ये है वो कागज जिन पर इस कमीने ने गरीब और मजबूर लोगों के घर और जमीनें लिखवाई हुई हैं, ये भी उन्हें वापस कर दो। और साथ में उन बेचारों से ये भी कह दो कि आज के बाद उनके घर और जमीनें लाला के पास गिरवी नहीं है, आज के बाद अपनी जमीनों और घरों के खुद मालिक हैं। सुंदर, तुम अंदर जाकर रोकड़ा ले आओ, बाकी हिसाब मैं लाला से करती हूँ। बच्ची मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं कहता हूँ मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा ना कर बेटी, ऐसा ना कर बेटी। मेरी बेटी तुम ये क्या कर रही हो, सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। घर का हिसाब इधर तो उसी दिन हो गया था लाला, जब तूने हमें घर से बाहर निकाल दिया था, वो दिन तुम्हारे थे, उन दिनों तुम्हारी बारी थी, मगर आज मेरा दिन है, मेरी बारी है। कोई हिसाब किताब ऊपर नहीं होता लाला, सबका सब यही होता है। अरे लाला, पोगे तुम जमीन पर और काटोगे आसमान पर? नहीं लाला, ऐसा नहीं होता, यही बोया है यही काटोगे और मैं तुम्हें यही काट कर भेजूंगी। सुंदर, मशाल लाओ। कहां जाओगे लाला, मेरे आदमी हर तरफ है, उस वक्त तुम जवान थे और मैं बच्ची, आज मैं जवान हो गई हूँ लाला और तुम बूढ़े हो गए हो, मुझसे भाग नहीं पाओगे। चल, नहीं भाग लाला, नहीं भाग, नहीं भाग, नहीं, नहीं। विजय, क्या विजय तुम यहां, क्या बात है, कुछ बोलते क्यों नहीं? एक बहुत बुरी खबर लाया। बुरी खबर? क्या बात है विजय? तुम्हारी मां। क्या हुआ मेरी मां को? मैं
जानते हैं अफसर, मां के मरने का गम जितना तुम्हें है उतना हम में से किसी और को नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर तुम एक आम आदमी से ऊपर उठकर बतौर पुलिस अफसर अपना फर्ज अदा कर दो तो जानते हो बरखुरदार, सिर्फ डॉली ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ डाकू दिलेर सिंह और उसका गिरोह और विजय डाकू भी पकड़ा जाएगा। मगर सर, हम कब तक इंतजार करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि डॉली ना भी आए। होने को क्या नहीं हो सकता अफसर, हम गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा अंदाजा ही नहीं बल्कि यकीन है कि डॉली डाकू जरूर है, लेकिन एक बेटी भी है और एक बेटी डाकू होते हुए अपनी मां को आखिरी बार देखने जरूर आएगी। जिस तरह तुम बतौर एक बेटे के अपनी मां के संस्कार का आखिरी फर्ज भी तुम अदा करोगे, उसी तरह डाकू डाली को पकड़ने का फर्ज भी बतौर अफसर तुम अदा करो। सर, आज ये कैसे हो सकता है? मेरे बरखुदार अफसर, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि पुलिस और फौज में रिश्ता नहीं दुश्मन देखा जाता है, और आज ऐसे इम्तिहान का तुम्हारा दिन है। इस मां के सदके अगर तुम डाली को गिरफ्तार कर लो तो तुम जानते हो फर्ज की ऊंची बुलंदियों को छू लोगे, और डाकू पकड़ने का इनाम और गोल्ड मेडल इन दोनों के हकदार सिर्फ तुम ही होगे। और अगर ऐसा हो गया तो तुम पुलिस का नाम सुनहरी हरफों में लिखोगे। हमारे देश की सारी पुलिस को तुम पर नाज होगा कि एक पुलिस अफसर ने अपने जज्बात का गला घोंटकर अपनी मां की लाश के सामने अपनी बहन को हथकड़ी पहनाई। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आप कब तक चाहते हैं कि मैं डॉली का इंतजार करूं? दीपक, देखो डाली आ रही है। जाने में जल्दी कर दी, मैंने आने में जरा देर कर दी। माँ माँ, मैं अपना आखिरी हिसाब चुकाने गई थी, उस घर की चाबी लाने गई थी माँ, मुझे तुझे दीपू को मुझे निकाला गया था माँ। मैं तो उस घर में नहीं रह सकती, कम से कम
डाकू को बच्चा भी देख लेते मेरी बहन मेरी बात मान जा, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मैं तुझे बचा लूंगा। डॉली 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 मैं अपनी खिदमत की एवज में तेरी जिंदगी की भीख मांगूंगा। मेरी बात मान जा मेरी बहन, मैं तेरी शादी करूंगा। तेरे लिए शादी का लाल जोड़ा, माथे की लाल बिंदिया और हाथों का लाल चूड़ा लेकर आऊंगा। मेरी बात मान जा मेरी बहन, तुम्हारा कोई कानून मुझे माफ नहीं करेगा। डॉली रुक जा, डॉली दी।
सिर्फ तुम ही होगे। हमारे देश की सारी पुलिस को तुम जैसे पुलिस अफसर पर नाज होगा।